महाभारत में उन चंद करेक्टर में से एक है जिनकी जिनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे पांच मोमेंट बताएंगे जिससे कि उनके दुश्मन भी उनकी तारीफ़ करते थे। सबसे पहले बात करें नंबर पाँच पे दुर्योधन की। दुर्योधन की बात करें तो हमेशा उनसे बैर रखते थे, लेकिन उनकी जो कार्य कुशलता थी, जो इंद्रप्रस्थ में वो किसी भी भूखे को सोने बिना खाए पिए सोने नहीं देती थी, उनका पूरा सेवा करती थी, इसी वजह से वो भी उनके काफ़ी बड़े फ़ैन, मतलब फ़ैन तो नहीं हुए थे, काफ़ी बड़े वो मानते थे, उनकी काफ़ी तारीफ भी किया था उन्होंने। नंबर चार पे गांधारी। गांधारी की बात करें तो उनकी दुश्मन नहीं थी, लेकिन दुश्मनों की माता जरूर थी। आपको बता दें कि दूध कीड़ा में जो भी उनके साथ हुआ उसके लिए उन्होंने पैर छू के उनसे माफ़ी मांगा था, और उन्होंने बाद में द्रौपदी ने उनको माफ़ भी किया था। नंबर तीन पे जयद्रथ। आपको बता दूँ कि जयद्रथ भी उनको हरण करने के प्रयास में थे, और आपको बता दूँ कि उन्होंने भी उनकी खूबसूरती के लिए कहा था कि वो उन्होंने अब तक इतनी खूबसूरत स्त्री आज तक नहीं देखी इस युग में। नंबर दो पे धृतराष्ट्र। आपको बता दूँ कि धृतराष्ट्र भी उनसे उतना लगाव नहीं रखते थे, क्योंकि हमेशा वो अपने बेटों का पक्ष लेते थे, इसी वजह से उनको हमेशा बैर रहता था पांडव के सभी वंश से। आपको बता दूँ कि उन्होंने भी दूत किरा में सबको माफ़ करने पर, माफ़ तो नहीं करने पर, जबकि वो श्राप देने वाले थे उसको करने पर, वो उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया था और बाकी सब कुछ लौटा दिया था। नंबर एक पे शकुनी मामा। आपको बता दें कि शकुनी मामा भी उनकी तारीफ़ करते हैं, कैसे उन्होंने इंद्रप्रस्थ के ट्रेजरी को काफ़ी अच्छे से ढंग से किया था, जो कि एक काफ़ी एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के दर्शन को दिखाता है कि उनके अंदर कितनी सारी गुण भरे हुए हैं, साथ साथ वो बड़ी ज्ञानी भी थी वो उनकी नज़र में।